ஆக்லாந்தில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. இதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி சற்று முன்னர் வரை விக்கெட் இழப்பின்றி 52 ரன் எடுத்துள்ளது. மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளை கொண்ட இத்தொடரில் முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறது. மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டி பிப்ரவரி 11 தேதி நடைபெறவுள்ளது. और जो सेट बैट्समैन अभी तक हो चुके हैं वो वन से टूज के सहारे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं. होम कंडीशंस का यहां पर लाभ न्यूजीलैंड को, आत्मविश्वास पिछले मुकाबले का, और यहां पर भी अच्छी शुरुआत. और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद हो गई तकरीबन कमर की ऊंचाई तक, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला. अच्छा स्ट्रोक गेंद के ठीक पीछे आए लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, खिलाड़ी मौजूद था. और न्यूजीलैंड की आबो हवा इस समय अच्छी खासी हवा चल रही है, और आज अच्छी बात यह है कि मौसम के पूर्वानुमान में क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन दिन का इंतजार है, यानी कि कहीं भी कोई बारिश या इस तरह का खलल नहीं. इस बार अच्छा ड्राइव गेंद के ठीक पीछे आए, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को खेला. आज जाधव ने गेंद को फील किया.